हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। अगर फंक्शन इस टाइप का दिया गया हो तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करनी है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, इस क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया गया है उसकी वैल्यू एक्स लेस देन टू पर दी गई है और एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू टू पर दी गई है। तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी किस पॉइंट पर चेक करेंगे, टू पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट देखो इसकी फाइंड आउट कर लेनी है। लेफ्ट हैंड जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू नेगेटिव। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जहाँ पर क्या आएगा, एफ एक्स माइनस एफ टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। तो देखो, अगर हमारे पास जे पॉइंट टू एक्स की वैल्यू जे टू है तो इस साइड एक्स लेस देन टू होगा और इस साइड एक्स ग्रेटर देन टू होगा। इट मीन्स टू नेगेटिव इस साइड होगा और टू पॉजिटिव इस साइड होगा हमारे पास। तो जब हमने लिमिट ली है, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू नेगेटिव, तो हम इस साइड की बात कर रहे हैं, इस साइड की। इस साइड में फंक्शन की वैल्यू कितनी दी गई है, देखो यहाँ पर ये फंक्शन है तो फंक्शन की वैल्यू एक्स लेस देन टू पर कितनी दी गई है, थ्री माइनस टू एक्स। तो जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू मैंने फिल कर दी, थ्री माइनस टू एक्स। और जब एक्स की वैल्यू एफ़ टू का मतलब क्या है, फंक्शन की वैल्यू टू पर कितनी दी गई है, टू पर कितनी दी गई है, जहाँ फंक्शन में देखो इक्वल टू का सिंबल कहाँ दिया गया है, जो सेकंड वाले फंक्शन में दिया गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू। इट मीन्स जो फंक्शन की वैल्यू टू पर है वो ये वाली कंसिडर होगी। तो आपने इस वाले फंक्शन में टू की वैल्यू, एक्स की वैल्यू टू फिल कर देनी है। उसके बाद जो भी आता है वो इसका रिजल्ट आएगा, सिक्स माइनस सेवन कितना होगा, माइनस वन। इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन। तो फिर इसको अब सॉल्व करना है। जस्ट आपने इसको सॉल्व देखो कैसे करना है, जहाँ आगे थ्री एक्स थ्री माइनस टू एक्स और माइनस माइनस हो गया प्लस डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू और बाहर लगेगी लिमिट एक्स टेंड्स टू टू नेगेटिव। थ्री प्लस वन कितने होते हैं मेरे पास, फोर माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। तो इसके बाद आपने पुट करना है एक्स इक्वल टू टू माइनस एच, क्योंकि जहाँ पर लिमिट में दिया गया एक्स टू नेगेटिव, तो जहाँ पर पुट क्या करोगे, एक्स इक्वल टू टू माइनस एच, सो दैट वेन एक्स टेंड्स टू टू नेगेटिव देन एच टेंड्स टू जीरो। तो जहाँ लिमिट में एच टेंड्स टू जीरो हो जाएगा और एक्स की वैल्यू अपने कौन से फिल कर देनी है, टू माइनस एच, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ टू माइनस एच फिल कर देना है। जस्ट इसको सॉल्व कर देना है, जहाँ जैसे जे फोर के साथ फोर कैंसिल हो गया तो जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म है वो टू एच बाय माइनस एच हो जाएगी। एच के साथ एच कैंसिल हुआ तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस टू। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टू। सिमिलरली जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो हमने फाइंड आउट करना है। राइट हैंड जो डेरिवेटिव है उसकी डेफिनेशन ये होती है, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। तो अब टू पॉजिटिव पर हमने बात करनी है, दैट इज़ एक्स, ये एक्स इक्वल टू टू है तो एक्स ग्रेटर देन टू इस साइड वाला होगा पोर्शन। तो इस साइड में फंक्शन की वैल्यू कितनी दी गई है वो देखो, गिवन फंक्शन की वैल्यू कितनी दी गई है, एक्स ग्रेटर देन टू पर फंक्शन की वैल्यू दी गई है थ्री एक्स माइनस सेवन। एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास राइट हैंड लिमिट के लिए, थ्री एक्स माइनस सेवन। और एफ टू की वैल्यू कितनी होगी, एफ टू की वैल्यू होगी जहाँ पर देखो इक्वल टू का सिंबल जो सेकेंड वाले फंक्शन में दिया गया है, तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आपने टू फिल कर देना है। और सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर होगा वो इसका वैल्यू होगा एफ़ टू का। तो एफ़ टू की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन। अब इसको वहाँ फिल करेंगे, वहाँ पर फिल किया जे देखो राइट हैंड लिमिट में, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, थ्री एक्स माइनस सेवन। एफ टू की वैल्यू कितनी निकाली है, माइनस वन। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा, माइनस सेवन प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। तो थ्री एक्स माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, तो जे वाला आ गई वो वैल्यू। तो अब इसमें पुट क्या करोगे आप, पुट करेंगे हम एक्स इक्वल टू टू प्लस एच, एक्स इक्वल टू टू प्लस एच, सो दैट वेन एक्स टेंड्स टू टू पॉजिटिव देन एच टेंड्स टू जीरो। तो जहाँ लिमिट जो होगी वो हमारे पास हो जाएगी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और जहाँ एक्स है वहाँ क्या फिल हो जाएगा, टू प्लस एच। तो जहाँ पर टू प्लस एच फिल कर दिया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जे वाली टर्म आएगी, एच के साथ एच कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आती है राइट हैंड लिमिट की, थ्री। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास टू है और राइट हैंड की कितनी आ गई है, थ्री। दोनों वैल्यू अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये जो फंक्शन दिया गया इट इज़ नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू टू पर।
ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर